सभी टीमों की तरह आरसीबी ने भी कर दिया है अपने तीन रिटेन्ड खिलाड़ियों का ऐलान। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विराट कोहली की जगह पर ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी बनाएगी अपना नया कप्तान। What's going on everyone, welcome back to my YouTube channel। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक नए दौर से एक नए एरा में प्रवेश कर रही है। और विराट कोहली ने खुद जब उनका रिटेंशन लिस्ट में नाम आया था तो इस बात को कहा था कि अब वो एक नई शुरुआत करने को देख रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। और एक डिफरेंट विराट कोहली, एक मोर हाई इंटेंस विराट कोहली हमें ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। लेकिन इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरसीबी हैज अ टास्क ऑन देयर हैंड्स। उनको नई बनानी है, उनको नया कप्तान ढूंढना है, क्योंकि भले ही वो पिछले सीजन में बहुत अच्छा खेले हो, उससे पिछले सीजन में टॉप 4 में पहुंचे हो, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आरसीबी के आर्मर में चिंक था, आरसीबी की टीम में कमियां थी जिसकी वजह से वो कई बार हारे। और मेरे हिसाब से तो पिछले सीजन में उनको टॉप 2 में होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके का खेल उन्होंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन दिखाया, जिस तरीके से वो हैदराबाद से हार गए, फिर उन्होंने एलिमिनेटर में केकेआर के सामने जिस तरीके का खेल दिखाया, सुनील नारायण से 3 छक्के पा गए डैनियल क्रिश्चियन और डैनियल क्रिश्चियन को खिलाने का इन इटसेल्फ एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फैसला था, एक बहुत ही खराब फैसला था। लेकिन अब जो पीछे छूट गया है वो छूट गया है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि 14 साल से ये टीम आईपीएल नहीं जीती है, एक ऐसी टीम जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा रही है। जीती दिल्ली भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं याद कि दिल्ली की फैन फॉलोइंग कब पीक पर गई थी, क्योंकि 2011-12 तक तो वीरेंद्र सहवाग का करियर भी तकरीबन खत्म हो चुका था, और 2014 से तो वो किंग्स इलेवन पंजाब में आ गए थे, और उससे पहले भी वो इतना ज्यादा आईपीएल नहीं खेलते थे, इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते थे, उनके फिटनेस के इश्यूज रहते थे। गौतम गंभीर तो 2011 से केकेआर के कैप्टन थे। पंजाब किंग्स की आप बात करो, जो पहले किंग्स इलेवन पंजाब हुआ करती थी, वो भी बेकार उनकी फ्रेंचाइजी है, उनके भी फैसले समझ से अलग है, हर सीजन में कोच चेंज, हर सीजन में कप्तान चेंज। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो कप्तान है वो काफी 8 साल से वो सेम थे, वो विराट कोहली थे, द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑन द प्लैनेट। तो विराट कोहली के रहते जब टीम नहीं जीतती, उसके बावजूद उसकी फैन फॉलोइंग काफी हाई थी। लेकिन अब एक नए एरा का प्रवेश हो रहा है, एक नया एरा आरसीबी का शुरू हो रहा है, और उनको ना सिर्फ अपनी टीम बनानी है बल्कि एक नया कप्तान भी ढूंढना है। अब कप्तान ढूंढना आरसीबी के लिए बड़ी समस्या क्यों है, वो इस वजह से है कि आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए जो विराट कोहली की शैडो से रह के भी कप्तानी करे, लेकिन वक्त पड़ने पर उनकी शैडो से बाहर निकल कर भी आपकी टीम को लीड कर पाए। क्योंकि देखिए, आरसीबी को आईपीएल तो जीतना ही है, लेकिन उसके साथ साथ पैसा भी तो कमाना है फ्रेंचाइजीज को। पैसा कमा के कौन देगा? विराट कोहली, क्योंकि वो अभी भी ही इज स्टिल द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, और विराट कोहली सबसे बड़ी ब्रांड है आरसीबी की। विराट कोहली के बिना आरसीबी को कोई पूछेगा नहीं, आरसीबी को कोई मुंह नहीं लगाएगा। और विराट कोहली के रहते क्या आप एक ऐसा कप्तान लेकर के आओगे जो उनकी शैडो में रहते हुए परफॉर्म करे, जो विराट कोहली, जो ऑरा है विराट कोहली का वो बना रहे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के हैं, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के हैं। लेकिन विराट कोहली अब आरसीबी के कप्तान नहीं होंगे, तो ये तीन खिलाड़ी मेरे हिसाब से सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जो इंडियन क्रिकेट के और आईपीएल के सबसे बड़े मेगा स्टार हैं, और इन तीनों के में सिर्फ विराट कोहली एक है जो कप्तान नहीं होंगे, तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आरसीबी का कप्तान बन सकता है? देखिए, कंटेंडर तो बहुत है कप्तानी के लिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से 5 टीमों के पास कप्तान है, 5 टीमों के पास कप्तान नहीं है, लेकिन ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास डेविड वॉर्नर का ऑप्शन है, ऑयन मॉर्गन का ऑप्शन खुल गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केकेआर में वो जाने वाले हैं, उनको रिटेन किया जाएगा या फिर उनको दोबारा केकेआर खरीदेगी। तो अब ऑप्शंस क्या है आरसीबी के पास अपनी टीम का नया कप्तान बनाने के लिए? देखिए, आरसीबी के पास ऑप्शंस हैं और बाकी टीमों के पास भी ऑप्शंस हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से अभी फिलहाल आईपीएल की 5 टीमों के पास कैप्टन है और 5 टीमों के पास कैप्टन नहीं है। तो आरसीबी भी उनमें से एक है जिनके पास अभी कैप्टन नहीं है, लेकिन ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास ऑयन मॉर्गन का ऑप्शन है, आपके पास डेविड वॉर्नर का ऑप्शन है, आपके पास श्रेयस अय्यर का ऑप्शन खुला हुआ है, और भी ऑप्शंस अगर आप टटोलना चाहते हो तो आप उनको ढूंढ सकते हो। केएल राहुल का क्या सीन है उसके बारे में भी आपको देखना होगा। और दूसरी जो चीज आरसीबी के खेमे से अब सुनने में आ रही है कि ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के वहां काफी जोरों शोरों से बात चल रही है, और एक धड़ा है आरसीबी के फ्रेंचाइजी में जो स्टेक होल्डर से जो कह रहे हैं कि मैक्सवेल को ही कप्तानी दे दो यार, विराट और मैक्सवेल मिलकर चलाएंगे। और देखिए, विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने की वजह क्या थी? जब उन्होंने इंडियन क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी, जैसे T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी है, अब वनडे की भी बात हो रही है, तो आप मान सकते हो कि भैया बीसीसीआई से बात हुई होगी, पर्दे के पीछे काफी कुछ हुआ होगा जो विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी। लेकिन आरसीबी में विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया जा सकता। अगर उनको कप्तानी से हटाया जाए तो वो कहते ठीक है, टाटा बाय बाय भैया, तुम अपनी टीम ही रख लो। ऐसा नहीं हुआ है, विराट कोहली ने अपनी मर्जी से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी छोड़ी है। और विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद आप
आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो सामने से आके टीम को लीड करे लेकिन ओवर शेडो भी ना कर दे विराट कोहली को। और विराट कोहली, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको आईपीएल जीतना है तो विराट कोहली को रन बनाना बेहद जरूरी है। और ये जो बात चल रही है कि विराट कोहली T20 के अच्छे प्लेयर नहीं है, विराट कोहली ये नहीं, विराट कोहली वो नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। विराट कोहली इज ओनली 33। बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना गेम ऊपर किया है। मुझे याद है एक समय पर सूर्य कुमार यादव भी इस तरीके से गेम नहीं फिनिश कर पा रहे थे, जो आज विराट कोहली को रिप्लेस करने की जिनके बारे में बात हो रही है। तो ये सब फालतू बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देते हैं, इनको साइड में रखते हैं, फिलहाल फोकस करते हैं कप्तानी पे। अब दूसरी चीज ये है कि ग्लेन मैक्सवेल को अगर कप्तान बनाया जाए, जिसके बारे में ओरिजिनली हमारा ये वीडियो था, पहले थोड़ी बहुत बातें हो गई, अगर ग्लेन मैक्सवेल को आप कप्तान बनाते हो तो आपके प्रोस क्या है, आपके कॉन्स क्या है? देखिए, प्रोस तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रोस सिर्फ आपका यह है कि भाई आपकी टीम के साथ बने हुए एक बहुत बड़ी फेस वैल्यू लेके आते हैं। कॉन्स आपके पास क्या है? इतनी अच्छी कप्तानी का रिकॉर्ड नहीं है। पंजाब किंग्स ने उनको अपना कप्तान बनाया था, लेकिन उसके बाद उनको रिप्लेस करके मुरली विजय को कप्तान बनाना पड़ा था। इतने बुरे दिन उनके आ गए थे, तो वहां पर उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दी, और अभी वो लीड कर रहे हैं, मेलबर्न स्टार्स के कप्तान बनाए गए हैं वो बिग बैश में। अब देखना होगा कि वो वहां पर कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। अगर वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो उनके जो स्टेकिंग है, जो उनकी जो क्लेम है, वो अथॉरिटी उनकी जो मजबूत हो जाएगी कप्तानी की पोजीशन पे। और ऐसा माना जा रहा है कि जब मेलबर्न स्टार्स की टीम के जब वो कप्तान बन गए बीबीएल में, उसके बाद से ये बातचीत बहुत ज्यादा आरसीबी में शुरू हो गई है कि भाई मैक्सवेल को ही टीम की कप्तानी दे दो। देखिए, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि एक टेम्पटिंग ऑप्शन तो है ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, आईपीएल में बहुत उन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, लेकिन उनके साथ दिक्कत है परफॉर्मेंस की। ठीक है, उन्होंने 2021 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसी तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने 2014 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम डब्बा गोल, 6 साल कुछ हुआ ही नहीं, अब उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो इनकंसिस्टेंसी इशू है उनके साथ, और मेरा मानना है कि अगर वो कंसिस्टेंसी 2-3 साल और आरसीबी के लिए 3-4 साल खेलते हैं तो उनको एज अ बैट्समैन ही आप खिलाओ, उन पर अनड्यू प्रेशर ना डालो कि भैया आप उनको कप्तानी का प्रेशर आप डाल दो, फिर वो कंफ्यूज हो जाए कि मुझे रोक के खेलना है, मुझे टेक के खेलना। और अगर वो आके फिर ऐसे आउट होंगे, और ग्लेन मैक्सवेल अगर खराब शॉटें खेल के आउट होंगे, तो अगर लोग कप्तान तो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, कप्तान तो एकदम गड्ढे हैं, कप्तान ये है, कप्तान वो है, तो ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को आप खुला छोड़ दो, खुला सांड, तबाही मचाए, घर जाए। उसका यही काम है, वो गन फील्डर है, बेहतरीन बॉलिंग कर देते हैं और उसके बाद वो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं आपके मिडिल ऑर्डर में। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि आप इंडियन कप्तान की तरफ जाओगे या फॉरन कप्तान की तरफ जाओगे। अगर आप इंडियन कप्तान की तरफ जाते हो तो श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। अगर आप वेस्टर्न फॉरेन कप्तान की तरफ जाते हो तो आपके पास ऑयन मॉर्गन जैसे प्लेयर का ऑप्शन खुला है, और डिविलियर्स के जाने के बाद मिडिल ऑर्डर में आपकी जगह भी एक वैकेंट हो गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मॉर्गन डिविलियर्स है, उनसे तो 2 रन नहीं बन रहे थे पिछले सीजन में, और वो तो कंप्यूटर से कप्तानी भी करते हैं, तो मैं मॉर्गन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन नहीं होऊंगा। अब जॉस बटलर भी उधर रिटेन हो गए, वो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, हूबहू डिविलियर्स की कॉपी आपको मिलती, एक अच्छा कीपर बैट्समैन भी मिल जाता, लेकिन वो रिटेन हो गए हैं राजस्थान रॉयल्स में, विच टू मी वाज अ वेरी सरप्राइज डिसीजन, क्योंकि अगर जॉस बटलर ऑक्शन में आते तो कम से कम 12-15 करोड़ लेते, हो सकता किसी टीम के कप्तान भी बन जाते। वो क्यों 10 करोड़ में रिटेन होने के लिए तैयार हो गए, मेरे सर के तो ऊपर से बात चलेगी। खैर, तो अब आपके पास ऑप्शन है श्रेयस अय्यर का। अब श्रेयस अय्यर को आप लेके आओगे तो वो तो विराट की बिल्कुल अंडर शेडो हो जाएंगे। विराट कोहली कहेंगे भैया इसको बॉलिंग दो, तो श्रेयस अय्यर का कहेंगे, उनको भी तो इंडिया खेलना है, उनको भी तो टेस्ट खेलना है, और फिर वो रिस्पेक्ट होती है तो दिक्कत होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। फिर आप फिर कहोगे लो क्लैश हो गया, लो इंडियन टीम में क्लैश हो गया, तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर के पीछे भी नहीं जाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी ही श्रेयस अय्यर को खरीदेगी, और श्रेयस अय्यर भी अहमदाबाद में जाएंगे। अगर वो अहमदाबाद में नहीं जाते हैं तो फिर वो मुंबई इंडियंस से खेलना चाहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो श्रेयस अय्यर का भी हो गया। अब आपके पास ऑप्शंस, बड़ा ऑप्शन बचा डेविड वार्नर। अब आप सोचिए, डेविड वार्नर, विराट कोहली एक ही टीम में ओपन कर रहे हैं दोनों साथ में, या विराट नंबर 3 भी खेल रहे हो, लेकिन अगर ओपन कर रहे हैं साथ में रूथलेस अग्रेशन, और डेविड वार्नर को विराट कोहली ज्यादा टोकेंगे भी नहीं, क्योंकि डेविड वार्नर खुद इतने बड़े आईपीएल के बल्लेबाज है, खुद विश्व के इतने बड़े बल्लेबाज है, इतने बेहतरीन कप्तान है। ठीक है, सनराइजर से जो हुआ वो पीछे छूट गया, वो साउथ के बिलोंग भी करते हैं तो काफी प्यार भी उनको वहां मिलेगा, और एक मतलब बहुत मौज कड़ी आएगी अगर आपके डेविड वार्नर वहां कप्तान बन गए। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही टेम्पटिंग ऑप्शन भी हो सकता है, एक मैच विनिंग बैट्समैन भी आपको चाहिए डिविलियर्स के बाद, वो भी आपको वार्नर में मिलेगा। विराट कोहली पर से प्रेशर भी कम होगा, वो भी वार्नर को मिलेगा, और वार्नर विराट कोहली को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उनसे लाइमलाइट नहीं छीनेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या इस तरफ आरसीबी सोचती है या फिर ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी को लेकर अब वो पूरी तरीके से श्योर हैं। ये मेरा ओपिनियन तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑन ग्लेन मैक्सवेल टू बी द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मेरे हिसाब से उनको एक बैट्समैन ही रहने देना चाहिए। आपके पास एक बैट्समैन हो गया जो बॉलिंग करता है, आप एक फिनिशर ले लो, आप डेविड वार्नर को कप्तान बनाओ खरीद के किसी भी तरीके से, अगर वो अहमदाबाद या लखनऊ की टीम में नहीं चले जाते तो आप मेगा ऑक्शन में उनको खरीदो, उनको कप्तान बनाओ, ऊपर से वार्नर विराट, बीच में मैक्सवेल, नीचे आप एक फिनिशर लो, एक फास्ट बॉलर टीम, एक अच्छा फास्ट बॉलर, फॉरन फास्ट बॉलर सिराज के साथ टीम में डालो, टीम आपकी कंप्लीट है। फिर आप इंडियन खिलाड़ियों को तोड़ मरोड़ के जो है टीम बनाओ, बेहतर
बेहतरीन आपकी टीम वहां पर सेट हो जाएगी और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेन स्टोक्स का मैं जाते जाते नाम ले लूं, बेन स्टोक्स एक बहुत ही टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, लेकिन बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर तो कितना पैसा बेन स्टोक्स पे लगेगा और फिर उनकी अवेलेबिलिटी पर भी सवाल होते हैं। और बेन स्टोक्स की लीडरशिप क्वालिटी भी है, अब क्या वो आईपीएल में एज ए कैप्टन सक्सेसफुल होंगे, क्या उनको कप्तान बनाया जाएगा विराट कोहली के सामने, ये जरूर सोचने वाली बात है। लेकिन प्रूवन टेस्टेड और बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ डेविड वॉर्नर आपके पास आ रहे हैं, तो ऑप्शन है आपके पास मैक्सवेल को कप्तान ना बनाना भैया, वरना ये सीजन भी ऐसे ही चला जाएगा। अंड्यू प्रेशर विराट पर भी आएगा, अंड्यू अटेंशन आएगी ग्लेन मैक्सवेल पर, जो कि उनकी बैटिंग के लिए अच्छी नहीं होगी। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है मेलबर्न स्टार्स जो बिग बैश की टीम है उसमें कप्तान बनने के बाद क्या ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के भी कप्तान बन जाएंगे, और अगर बन जाते हैं तो क्या यह सही डिसीजन होगा या नहीं। डेविड वॉर्नर, बेन स्टोक्स, इन ऑप्शंस के बारे में आप क्या कहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट करिए, और इस तरीके एनालिसिस के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।